मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया हिंदी। बाबरी मस्जिद को लेकर अयोध्या में विवाद चल रहा है, लेकिन आखिर बाबरी मस्जिद का इतिहास क्या है? पूरी दुनिया में मंदिर और मस्जिद के विवाद को लेकर हिंदू मुसलमान के बीच गहरी खाई खोदने वाले अयोध्या के राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद के बारे में तो हर किसी को पता है, और यह भी पता है कि इस मामले को लेकर कितना खून खराबा हुआ है। लेकिन शायद अगर इतिहास की बात करें तो कम ही लोगों को पता होगा कि आखिरकार जिस स्थान पर भगवान श्री राम के जन्म की बात कही जा रही है, उस स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण हुआ कैसे। इस वीडियो के जरिए हम आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि बाबरी मस्जिद का इतिहास क्या है और आखिरकार इस मस्जिद को लेकर इतना बड़ा बवाल क्यों है, आखिर क्यों हिंदू और मुसलमानों के बीच इतना बड़ा खून खराब हुआ। ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक भारत के पहले मुगल सम्राट बाबर के निर्देश पर अयोध्या के रामकोट क्षेत्र में सन 1527 ईस्वी में एक मस्जिद के निर्माण का दावा किया गया है। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा था। सन 1940 के दशक से पहले इस मस्जिद को मस्जिद जन्म स्थान कहा जाता था। वहीं हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग इसे भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में स्वीकार करते चले आए हैं। धार्मिक नगरी अयोध्या में इस मस्जिद के अलावा सैकड़ों की संख्या में अन्य मस्जिदें भी मौजूद हैं, जहां पर मुस्लिम धर्म के लोग नमाज और इबादत करते हैं। लेकिन बाबरी मस्जिद को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में उस दौर में उतनी संजीदगी नहीं थी, और इस स्थान पर आम मस्जिदों की तरह ही नमाज पढ़ी जाती थी। इतिहासकारों और उपन्यासकारों में बाबरी मस्जिद को लेकर अलग अलग तथ्य हैं, लेकिन भारत की जितनी भी पुरानी किताबें हैं या जिन्होंने भारत के बारे में लिखा है, जैसे आप अगर गांधी की बायोग्राफी या देश के पहले प्रधानमंत्री की किताब भारत एक खोज, इसमें भी पढ़ेंगे तो कहीं पर भी विवादित भूमि जो है इसका जिक्र नहीं किया गया है। जब हम बाबरी मस्जिद के इतिहास की बात करें तो स्वर्गीय कमलेश जी की किताब का जिक्र, कितने पाकिस्तान में लिखे कुछ तथ्यों की बात भी करनी चाहिए। लेकिन तथ्यों को मानने से पहले यह बात भी माननी चाहिए कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी माना था कि अयोध्या में राम मंदिर को बाबर और उसके सूबेदार मीर बाकी ने 1528 में मिसमार यानी कि तबाह करके बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। मीर बाकी का पूरा नाम मीर बाकी ताशकंदी था, और वो अयोध्या से 4 मील दूर सेनहुअक से सटे ताशकंद गांव का निवासी था। इसी तथ्य को आधार बनाकर हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सितंबर में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। अब किताब में छपे हुए कुछ तथ्यों को भी हम आपको बताते हैं। अयोध्या में मस्जिद बाबर के भारत पर आक्रमण करने से पहले से मौजूद थी। बाबर 20 अप्रैल 1526 को इब्राहिम का सिर कलम करके आगरा की गद्दी पर बैठा था, और हफ्ते भर बाद 27 अप्रैल 1526 को उसके नाम का खुतवा जो है वो पढ़ा गया था। दूसरा तथ्य, अयोध्या की मस्जिद में एक शिलालेख बनाया गया था जिसका जिक्र ब्रिटिश अफसर फ्यूहर ने कई जगह पर किया है। फ्यूहर ने 1889 में आखिरी बार उस शिलालेख को पढ़ा था, जिसके बाद अंग्रेजों ने इसे नष्ट करवा दिया था। शिलालेख के मुताबिक अयोध्या में मस्जिद का निर्माण इब्राहिम लोदी के शासन में उसी के आदेश पर 1523 में शुरू हुआ और 1524 में मस्जिद पूरी कर ली गई। अब तीसरा तथ्य क्या है? शिलालेख के मुताबिक मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बल्कि खाली जगह पर बनाई गई थी। इसका यह भी मतलब होता है कि अगर विवादित स्थल पर राम या किसी दूसरे देवता का मंदिर था जिसके अवशेष खुदाई में मिले और सबूत इसके मिले हैं, तो वो 14वीं सदी से पहले ही निस्तनाबूद कर दिया गया होगा या खुद ही नष्ट हो गया होगा। अब चौथा तथ्य क्या है? 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज चौकन्ने हो गए थे कि ब्रिटिश इंडिया की नई पॉलिसी बनाई गई उसी चौकन्ने होने के बाद, जिसके मुताबिक अंग्रेजों ने तय किया कि अगर इस उपमहाद्वीप में लंबे समय तक शासन करना है तो इसे धर्म के आधार पर विभाजित करना होगा, ताकि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से ही लड़ते रहें और उसका ध्यान आजादी जैसे मुद्दों पर ना जाए। इसी नीति के तहत लोदी की मस्जिद बाबरी मस्जिद बन गई और उसे राम मंदिर से जोड़कर ऐसा विवाद खड़ा कर दिया गया जो आज तक हल नहीं हो पाया है। तो ये वो कुछ तथ्य हैं जो बताते हैं बाबरी मस्जिद के इतिहास के बारे में।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप जाके कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए।